हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास BA फर्स्ट ईयर है और मैं फर्स्ट सेम में आपको आपकी जो लिटरेरी टर्म्स है वो करवा रही हूँ। तो आज हम 12th लिटरेरी टर्म है जो आपकी आयरनी वो पढ़ेंगे। एज ए लिटरेरी डिवाइस आर्नी इज़ अ कंट्रास्ट। आर्नी एक कंट्रास्ट है किन किन के बीच में, एक्सपेक्टेशंस फॉर अ सिचुएशन एंड व्हाट इज़ अ रियलिटी। रियलिटी क्या है और हम किस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है। रियलिटी कुछ और होती है, हमें उम्मीद कुछ और की होती है। दिस कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन द सरफेस मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज सेड एंड द अंडरलेइंग मीनिंग। इसमें क्या है कि हम डिफरेंस है जो वो पता कर सकते हैं कि सरफेस मीनिंग है जो हमें कहा गया था वो कुछ और था पर एक्चुअल में रियलिटी कुछ और थी। इट कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंस बिटवीन वट माइट बी एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड वट एक्चुअली अकर्स। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो हम सोच रहे होते हैं कि शायद ऐसा होगा पर एक्चुअल में वहाँ पहुँच के पता लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इन चीज़ों का डिफरेंस जो होता है, मतलब मान लो हम स्कूल में जाते हैं, कोई फंक्शन है वहाँ पे जाते हैं और हमें उम्मीद होती है कि बहुत बड़ा फंक्शन होगा, है ना, वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स होंगी, तो सोच हम वो रहे होते हैं पर एक्चुअल में हम जब पहुँचते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, कोई स्टॉल्स नहीं होती, सिर्फ चाय के कप होते हैं और उस और उनके बिना कुछ नहीं होता, कोई चीफ केस नहीं होता। तो ये क्या है, आयरनी है। मतलब हमें डिफरेंस पता करना, हमें उम्मीद कुछ और होती है पर रियलिटी कुछ और होती है, एक डिफरेंस ये हो गया। हमने सोचा कुछ और होता है पर होता कुछ और है, तो ये क्या है, आयरनी है। द आयरनी डिवाइडेड इनटू वर्बल, ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल। आयरनी जो होती है वो वर्बल भी हो सकती है, ड्रामेटिक भी हो सकती है और सिचुएशनल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो साइट सीइंग एवरी एनी वेयर इन द वर्ल्ड टूडे। मान लो आप कहीं पर कोई साइट सीन देखने गए हो आज, यू विल सी क्राउड्स ऑफ पीपल हु आर सो बिजी टेकिंग सेलफोन पिक्चर्स ऑफ देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द साइट। यू विल सी, आपने देखा कि लोगों का बहुत बड़ा इकट्ठ है जो बिजी है अपने सेलफोन से पिक्चर लेने में उस साइट की, हम सेल्फी खींचते हैं ना कहीं जाके, वो ले रहे हैं। That they don't actually look at what they come to see but with their own eyes। वो वहाँ जाके अपनी आँखों से जो देखने आए हैं उनको नहीं देख रहे बल्कि वो फोटो खींचने में बिजी हैं। द आयरनी हैज़ टू मीनिंग, इसके दो मीनिंग है। एक तो गोइंग टू सी अ साइट एंड प्रूव दैट यू वर देयर, एक तो आप साइट देखने गए हो और आप प्रूव कर रहे हो कि वहाँ आपने आप हो। नॉट इन्जॉइंग द थिंग यू वेंट टू सी। और आप दूसरा मीनिंग ये है कि आप उस साइट को जो देखने आए हो उसको इंजॉय नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेल्फी खींचने में बिजी हो। हम कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन पे गए, वहाँ पे हमने क्या किया, लोगों को देखा कि वो एक बहुत सुंदर सा पहाड़ है, उसमें से स्ट्रीम निकल रहा है, झरना निकल रहा है और लोग जो हैं वहाँ पे खड़े होकर सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो इसके दो मतलब हो गए, एक मतलब ये हुआ कि आप जो साइट देखने गए हो आप प्रूफ कर रहे हो स्टेटस डाल डाल के कि हाँ मैं आज वहाँ पे गया हूँ, ठीक है। दूसरा मीनिंग इसका ये है कि आप उस साइट को इंजॉय नहीं कर रहे हो, जस्ट उसकी पिक्स क्लिक कर रहे हो, ठीक है, उसको इंजॉय अपनी आँखों से नहीं कर रहे बल्कि फ़ोटोज़ खींच खींच के उसको स्पॉइल कर रहे हो उस टाइम को। तो ये आयरनी होती है, ठीक है, मतलब सिचुएशन कुछ और होना, एक्चुअल में कुछ और होना, ये क्या हो गया, आयरनी हो गई, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टर्म करवाऊंगी, तब तक आप इस टर्म को अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।